वेलकम टू स्टडी माय वे डबल वन। हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी क्लास 9 मैथ चैप्टर 1 नंबर सिस्टम एंड एक्सरसाइज 1.2। तो लेट स्टार्ट, दिस इज ए फर्स्ट क्वेश्चंस। स्टेट द वेदर इन द फ्लोइंग स्टेटमेंट ऑफ ट्रू एंड फॉल्स एंड जस्टिफाई योर आंसर। आपको अपने आंसर को जस्टिफाई करना है कि सबसे पहले कि कौन सी स्टेटमेंट है ट्रू है फॉल्स है। सबसे पहले एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, कि जो प्रत्येक इरेशनल नंबर वो रियल नंबर है। तो ये स्टेटमेंट क्या है हमारी, ये हमारी ट्रू है। तो इसमें ट्रू कैसे है, तो इसमें सपोज करो हमारे जो रियल नंबर जितने भी नंबर्स होते हैं वो सब हमारे रियल नंबर होते हैं। इसमें हमारे रैशनल और इरेशनल दोनों होते हैं। तो रैशनल नंबर वो होते हैं जो हमारे पी क्यू की फॉर्म में लिखते हैं, और क्यू होना चाहिए वो हमारा जीरो के बराबर और जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। इरेशनल नंबर है जिन्हें हम पी और क्यू की फॉर्म में नहीं ले सकते। तो इरेशनल नंबर में आ सकते हैं हमारा पाई, ई, अंडर रूट 3 या 5 प्लस अंडर रूट 2, उसमें हम कुछ भी एग्जांपल हो सकते हैं। तो अभी कह रहा है कि जो प्रत्येक इरेशनल नंबर क्या है हमारा रियल नंबर है। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। मूव टू नेक्स्ट पॉइंट। एवरी पॉइंट ऑफ द नंबर लाइन ऑफ द फॉर्म अंडर रूट 5। ये कह रहा है कि जो प्रत्येक जो पॉइंट होते हैं नंबर लाइन पे वो अंडर रूट एम की फॉर्म में होता है, और जो एम एक नेचुरल नंबर है तो एम क्या होना चाहिए अंडर में नेचुरल नंबर है। तो इसको कैसे करेंगे हम, इसको भी सेम ऐसे ही करेंगे सेकेंड। तो एम अंडर रूट एम, तो इसमें क्या है, ये स्टेटमेंट इज फॉल्स। क्यों, क्योंकि अंडर रूट 5 में कोई भी नेचुरल नंबर में हमारे क्या होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 सो ऑन। तो इसमें 9, तो सपोज करो हमने इसमें केस में 9 लिया, तो 9 को कैसे होगा प्लस माइनस 3, तो 3 प्लस और माइनस दोनों में ही नंबर लाइन पे हमारा शो हो सकता है। तो हमें पता है कि जो उस पर 0 है तो इधर सारी माइनस की जंग है, इसे माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 अर्थ में 1, 2, 3, तो इसमें प्लस भी माइनस की भी। सेम इसमें क्या होगा कि यदि हम इसमें अंडर रूट 2 ले, सपोज करो हमने अंडर रूट 4 लिया, तो इसमें क्या होगा प्लस 2, तो ये भी सेम होगा। यदि हम इसमें क्या लेते हैं अंडर रूट 2 लेते हैं, तो ये क्या है प्राइम नंबर, क्या है प्राइम नंबर, तो इसमें यदि हम इसको खोलेंगे तो 1.4, तो ये तो हमारे नंबर लाइन पे क्या हो जाएगा शो नहीं होगा, तो इसीलिए ये स्टेटमेंट क्या होगी हमारा फॉल्स होगी। थर्ड पॉइंट है एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। तो इस सेम देख लो अपना 1 पॉइंट में, तो ये कह रहा है कि एवरी इरेशनल नंबर इज रियल नंबर। अब एवरी रियल नंबर इन ए इरेशनल नंबर, तो इसको किस तरह जस्टिफाई करेंगे, तो इसको हम इस तरह से कर लेंगे सर्कल फॉर्म में। तो ये हमारा रियल नंबर है, और इसके अंदर ही हमारा क्या होता है रैशनल और हमारा क्या होता है इरेशनल नंबर। तो अब ये कह रहे हैं कि रियल प्रत्येक रियल नंबर ही हमारा रैशनल नंबर, तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। यदि इसमें ये कहता या फिर इसमें एक क्वेश्चन दोबारा ऐसे घुमा के भी कहता है, ये भी कह सकते कि एवरी रियल नंबर इज ए रैशनल नंबर, तो ये भी स्टेटमेंट क्या होगी हमारी फॉल्स होगी। अब चलते हैं इसमें सेकंड क्वेश्चन की, आर द स्क्वायर रूट ऑल द पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल नंबर। ये कह रहे हैं कि जब भी जो स्क्वायर रूट्स हैं हमारा पॉजिटिव इंटीजर के वो क्या है इरेशनल नंबर है। इफ यदि ऐसा नहीं है तो गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर दैट इज ए रैशनल नंबर। हमें एक एग्जांपल देना है जिसका स्क्वायर रूट क्या होना चाहिए, हमारा जो स्क्वायर रूट है वो हमारा रैशनल नंबर होगा। तो इसमें हम बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे तो इसमें कैसे दे सकते हैं, तो हम इसमें दे सकते हैं सपोज हमने 16 दिया, क्या कर दिया हमने अंडर रूट 16 दिया, तो इसमें क्या हो जाएगा इसका हमारा 4 आ जाएगा। तो 4 क्या है, 4 एक हमारे क्या है हमारे रैशनल नंबर है, ठीक है, बट नॉट इर रैशनल नंबर। या फिर अंडर रूट 9 दे सकते हैं, तो ये भी क्या होगा 3, तो ये भी क्या है हमारा रैशनल नंबर है। तो ये क्या होगा, ये भी क्या होगा, दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो ये क्या स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। 3, सो हाउ अंडर रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन, कि अंडर रूट 5 को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलो इसको भी देखते हैं, तो हम इसमें किस तरह से कर सकते हैं, तो हम इसमें देखेंगे। इसमें थर्ड क्वेश्चन है,
तो इसमें देखा है रूट फाइव को हमें क्या करना है, लाइन पे ड्रॉ करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम का मतलब क्या होता है कि इसमें क्या होता है, एक राइट एंगल होता है 90 डिग्री का, यदि इसमें नीचे देखें इसको बेस बोलते हैं, इसको परपेंडिकुलर, इसको हाइपोटेन्यूस। जो हाइपोटेन्यूस होता है तो हाइपोटेन्यूस किसके इक्वल होता है, अंडर रूट पी प्लस पी के। तो किसके होते हैं, अंडर रूट पी प्लस पी, पी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर के होता है। तो ये क्या होता है, हाइपोटेन्यूस का फार्मूला है। अब हाइपोटेन्यूस कितना है हमारा, अंडर रूट फाइव है। तो इस अंडर रूट फाइव किस तरह से लिख सकते हैं हम, तो पी को हम वन और प्लस फोर इस तरह से लिख सकते हैं, यस। फिर हम इसको और भी ज़्यादा इसको एक्सपेंड करके लिख सकते हैं, वन स्क्वायर और प्लस टू की टू स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, एक नंबर नंबर ड्रॉ करना है, इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करनी है, क्योंकि हमें इसको अंडर रूट फाइव को लाइन पे शो करना है। तो हमने इसको क्या दिया, जीरो, फिर वन, फिर टू और इसको फिर थ्री। अब क्या कर सकते हैं, अपने प्रोट्रैक्टर की सहायता से इसमें 1 सेंटीमीटर क्या बना सकते हो, एक परपेंडिकुलर डाल सकते हो। तो मैंने इसमें 1 सेंटीमीटर, इसको मैंने यहाँ पे ए पॉइंट, यहाँ पे बी पॉइंट और यहाँ पे मैंने सी पॉइंट लिया। अब मैंने सी को और बी से ज्वाइंट किया, तो आप स्केल की सहायता से इसको आसानी से कर सकते हो। तो ये क्या हो गया, हाइपोटेन्यूस से हो ये होगा। तो आप इस तरह से करोगे, ये हमारा बेस हो गया टू, टू हमारा बेस हो गया, 1 सेंटीमीटर और परपेंडिकुलर होगा। और ये कितना दिया, ये हमें दिया है अंडर रूट फाइव। तो हाइपोटेन्यूस इस अंडर रूट फाइव को हम किस तरह से करना है, हमें लाइन पे शो करना है। तो अब हमें क्या करना है, अपने कंपास लेना है। तो कंपास की जो नोक है आपको सी पॉइंट पर रखना है, और जो पेंसिल वाली जो नोक है उसको बी पॉइंट तक उसकी उसको ओपन करना है प्रोटेक्टर को, फिर उस कंपास को। तो कंपास को जब आप ओपन कर लोगे, फिर आपको कंपास का जो पॉइंट है आपको ए पॉइंट पर लिखना है, और उतने जितना आपने ओपन किया तो इस पर एक आर्क लगा देना है। जैसे आप एक आर्क लगाओगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, अंडर रूट फाइव। तो ये इसने बोला था कि हम किस तरह प्रोटेक्ट कर सकते हैं, हमने इसको इस तरह से शो कर दिया। तो दिस एक्सरसाइज इज द कंप्लीट एंड मीट टू विद नेक्स्ट एक्सरसाइज। थैंक यू फॉर वॉचिंग।